लास्ट टाइम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया था, इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला, आप फॉर्मूला रजिस्टर चेक कर सकते हो, पहला फॉर्मूला है करंट का, के एल्फा बाय एम बी ए। एल्फा का मतलब है कॉइल की कितनी डिफ्लेक्शन है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, क्या डिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ पर एल्फा पुट करेंगे, गिवन होगी डिफ्लेक्शन आपको। तो ये पहला फॉर्मूला आपने नोट किया। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर फिगर ऑफ मेरिट है, जो कि आई बाय एल्फ है, आई कितना करंट है और कितनी डिफ्लेक्शन हुई उसकी रेशियो को फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। फिगर ऑफ मेरिट का स्पेशल फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करंट का फॉर्मूला याद है, आप आई बाय एल्फा कर लो, फिगर ऑफ मेरिट आ जाएगी, बात खत्म। तीसरा फॉर्मूला सेंसिटिविटी में करंट सेंसिटिविटी है, जिसको सी एस या आई एस कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला एल्फा बाय आई। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें पॉइंट समझने वाला, कि एल्फा बाय आई के अंदर इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे। एल्फा का मतलब रेडियंस, कितनी डिफ्लेक्शन हुई रेडियंस में, डिवाइडेड बाय एम्पियर, पहला यूनिट है। दूसरा डिग्री, डिग्री डिवाइडेड बाय एम्पियर दूसरा यूनिट है, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है इसका डिवीजन्स, डिवीजन्स पर एम्पियर या माइक्रो एम्पियर क्या इसके यूनिट्स हैं। क्योंकि जब कोई कॉइल डिफ्लेक्ट होती है तो ऊपर सुई घूमती है ऐसे, तो एंगल घूमता है, यहाँ से सुई घूमती है तो वहाँ से डिवीजन्स क्रॉस करती जाती है, तो कितना एंगल घूमा उसके प्रोपोर्शन में डिवीजन्स चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं डिवीजन पर एम्पियर। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी हमने किया था कि 50 डिवीजन्स हैं, 50 डिवीजन में 1 माइक्रो एम्पियर करंट है, तो वो बेसिकली क्या गिवन है, करंट सेंसिटिविटी। तो पर डिवीजन करंट को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन बी ए बाई के, मतलब करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला तो है ही है, उसको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से डिवाइड कर देना है। तो इन शॉर्ट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस आर। इसके अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो इसके यूनिट्स ध्यान से देखो, एल्फा बाय वी, एल्फा बाय वी का मतलब है, एल्फा का मतलब डिवीजन्स पर वोल्ट, ये इसके यूनिट्स हैं डिवीजन पर वोल्ट। आप डिग्री पर वोल्ट भी कर सकते हो, रेडियंस पर वोल्ट भी कर सकते हो, पर ज़्यादातर बुक्स डिवीजन पर वोल्ट में काम करती हैं। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, ये फॉर्मूलाज हमने लास्ट टाइम किए थे। फिर हमने किया था कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या किया था कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, फॉर्मूला जो याद करना है वो ये था कि इसमें शंट लगती है, अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो शंट लगेगी, और शंट का फॉर्मूला याद करना है। और अगर सपोज करो आपको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर है, तो रेजिस्टेंस आर सीरीज में लगानी पड़ेगी, रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये करवाया था कि अगर आपके पास कोई भी गैल्वेनोमीटर है और आप उससे ये छोटा करंट मेजर कर रहे हैं, आप एम मीटर बनाना चाहते हैं, ये बड़ा करंट मेजर करेगा, तो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर है, ये एम मीटर है, तो शंट लगा के एम मीटर बन जाएगा। अगर ये एम मीटर है और एक नया मीटर बनाना है आपको ए टू, और जो और भी ज़्यादा करंट मेजर करे, तो ए वन मीटर में शंट लगा दो, ए टू बन जाएगा, वो और करंट मेजर कर पाएगा। और अगर एक और मीटर बनाना है ए थ्री, जो बहुत बड़ा करंट मेजर करे, तो इसमें शंट लगा दो, तो ए थ्री बन जाएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट ये बताया था कि जब आप इसका न्यूमेरिकल करोगे, इसका करंट है आई, तो इसका करंट अपने मन में क्या मानोगे, आई जी, तो पीछे वाले मीटर को गैल्वेनोमीटर मान लेना। फिर मैंने ये बताया था कि अगर सपोज करो न्यूमेरिकल इस पे आता है, तो इसका करंट है आई बड़ा, और छोटे करंट को किससे रिप्रेजेंट करना है, आई जी। तो पिछले मीटर को चाहे उसका नाम क्वेश्चन पूछने वाला एम मीटर दे, पर तुमने मन में उसको क्या मान लेना है, गैल्वेनोमीटर, नहीं तो आप उलझ जाओगे। तो एम मीटर करके एम मीटर से एम मीटर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पिछले मीटर को गैल्वेनोमीटर मान लो, और उसका उसके करंट को आई जी से रिप्रेजेंट कर लो, और इसके करंट को आई से रिप्रेजेंट कर लो, और बोल दो कि मैंने इसमें शंट लगाई है, और एस की वैल्यू का फॉर्मूला वही लगा दो जो आप नॉर्मली लगाते हो। और इसके अंदर आई का मतलब इसका करंट है, आई जी का मतलब इसका करंट है, जी का मतलब पिछले मीटर की रेजिस्टेंस है, आंसर आ जाएगा। तुम एम मीटर के चक्कर में मत पड़ना कि गिवन एम मीटर जो 1 एम्पियर करंट मेजर करता है, और फिर एक और एम मीटर बनाना है जो 5 एम्पियर मेजर करता है। तो तुम अगर एम मीटर दे के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई फॉर्मूला लिंक कर ही नहीं पाओगे। तो उसकी बजाय आप ऐसा करो कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक एम मीटर है
और एक और एमीटर है, तो सपोज करो वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक एमीटर एक एम्पियर करंट मेजर करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर एक एम्पियर करंट कभी मेजर नहीं कर पाता, वो माइक्रो या मिली के अंदर मेजर करता है, बहुत छोटा करंट मेजर करता है, पर ये एमीटर एक एम्पियर करंट मेजर करता है, इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, और तुम्हें एक एमीटर बनाना है जिसके अंदर वो मैं चाहता हूँ कि वो 5 एम्पियर करंट मेजर करे, तो बोलो कितनी शंट लगाएं, ये क्वेश्चन है। तो पिछले मीटर का नाम चाहे एमीटर लिख दे, मन में गैल्वेनोमीटर है, तो इसको क्या लेंगे आई जी, इसको क्या लेंगे जी, इसको क्या लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो स्टेप क्लियर है, बस अब आपके आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर ये बात समझ में आ गई, ठीक।